वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस साइड साक्षी धंजाल। वेल, आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ था, हम पहले चलते हैं आज का ब्लॉग जहाँ से स्टार्ट हुआ था। आफ्ताब एंड सोहेल इन द हाउस सेमिंग गुड बाय। यू लुक ग्रेट इन कुर्ता गाइस। यही लड़का जिसने मेरा दिल तोड़ दिया, अब ये लव स्टोरी बताएगा अपनी बैठ के। प्लीज मैं जा रही हूँ, फिर तुम्हारा पास्ता मैंने सामने के रखा हुआ है गाड़ी में। हाँ बोलो, ये लड़के की लव स्टोरी बहुत प्यारी है। कहाँ आ जाना, बैठ जा, बैठ ना, फिर मैं जा ही रही हूँ, तुम लोगों की वेट कर रही थी। देखना ये कि कौन सा खोपचे में बैठेगा। सो हाँ यार, बहुत प्यारी लव स्टोरी थी तुम्हारी। मैंने कल इस लड़के ने मुझे बहुत शिद्दत से लव स्टोरी बताया कि प्यार क्या होता है। मैं चाहती हूँ सारे आशिक गन, इट वॉज गुड, मैं चाहती हूँ सबको पता चले। क्या बताया कल कि मैंने ना अपनी मतलब कभी भी लाइफ में बंदी को टच नहीं करा जब तक निकाह नहीं हुआ। सो दैट्स आई वांट टू लिसन। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, सिक्स क्लास में थे, वाह। तो उसके बाद सिक्स क्लास में हम क्लासमेट थे, उसके बाद सेवन्थ में मैंने आगे से ही उसको प्रपोज किया था। तो पहले तो उसने मना किया कि यार एज नहीं है अपनी, ये वगैरह वगैरह। मैंने कोई नहीं, एज अ फ्रेंड वी कैन कंटिन्यू। अच्छा, तो तुमने सिक्स में प्रपोज कर दिया था, फिर सेवन्थ में हम पूछे एज अ फ्रेंड, एट्थ में उसको कुछ हुआ, मुझे कुछ हुआ। अच्छा, एट्थ में हो गया था। फिर डिसाइड हुआ कि यार देख कोई नहीं, अब जो है वो तू ही है। पर टाइम ऐसा है कि इजीली नहीं होता कि यार क्या है। सो गाइस, इसने इनडायरेक्ट वे में लड़की को उठाया, शादी कर ली है, और उसने प्रॉमिस किया था कि मैं शादी से पहले टच नहीं करूँगा। करा भी नहीं ना मैंने उसको, कभी टच नहीं किया मैंने उसको, निकाह के बाद ही टच किया। क्योंकि डिसाइड था, मैंने उसको बोला था कि करूँगा तो सिर्फ तुझे टच करूँगा, नहीं तो मैं कभी किसी। मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट टाइम ना मुझे गुड न्यूज़ देने वाला है यार। ये ऐसे आशिक एग्जिस्ट करते हैं। मैं लेट हो गई ना आने में लाइफ में, मैं 2017 में आई ना, मुझे पहले आना चाहिए था। मैं एट्थ क्लास में क्यों नहीं हुई, सेवन्थ से नहीं मिले, सिक्स से नहीं, फिफ्थ में मिलने चाहिए थे तुमको। बट हम एक क्लास में हो नहीं सकते थे ना, तुम छोटे हो मुझसे। टू से गुड बाय टू एवरीबडी एंड दिस प्लेस आई वाज स्टेइंग विद द जोन होटल। आजा भाई यहाँ से, आ जाइए गाड़ी बाहर। सो आई वाज स्टेइंग विद द जोन होटल, दैट वाज द होटल। बाय बाय होटल, लेट्स गो बैक टू द कार। सो मैं जा रही हूँ वापस, आई एम गोइंग समवेयर एल्स, इट्स अ वेरी सीक्रेटिव प्लेस, सो आई एम गोना शेयर माई जर्नी बट नॉट द प्लेस। लेट्स गो। मुझे लगता है आधे लोग गैस ही कर लेंगे मैं खाऊं। जब तुम घर की तरफ जा रहे हो तो ना ड्राइव करके, सो यू नो ये इतने ब्यूटीफुल माउंटेन्स दिखते हैं, रावी हिल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके अलावा इस रोड पे ट्रक्स तो इतने मिलेंगे ना आपको। आई होप यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू द इंसिडेंट्स कि मेरे शीशे पर टक आ गया, जस्ट बिकॉज एक ट्रक से ना मोटे मोटे पत्थर गिर रहे थे। ना मैं आगे गिर रही थी ना मैं पीछे गिर रही थी, क्योंकि वो ट्रक बहुत मतलब इस तरह चल रहा था कि आपको निकालना है तो निकालो। वो कंटिन्यूसली आए थे, इवन बाइक वाले को भी बहुत बुरी तरीके से लगे। और इतना टेम्परेचर इस वक्त हॉट है ना क्योंकि रास्ते में, कि मेरा फ़ोन हल्का गर्म हो चुका है और अभी तक पता वीडियो सेव नहीं कर रहा है कि मेरा फ़ोन, जस्ट बिकॉज टेम्परेचर बार बार हॉट हो जाता है। और 20 मिनट्स का लास्ट फ्लॉग है, बाय गॉड। पता ये किंग का खाना वाले ने इतने रेस्टोरेंट्स बनाए हुए ना रास्ते में, जिसमें सबवेज है और काफ़ी यू नो शॉपिंग पॉइंट्स हैं। एंड राजस्थान आपको ये बहुत कॉमन दिखेगा। मैं तो खैर वॉशरूम के लिए उतरी हूँ, सही है ना ये चीज़। सो गाइस, मेरे को कैफे मरिस्टो एंड आई रियली वांट टू हैव कॉफी, एंड मरिस्टो की कॉफ़ी ना मतलब आप लोगों को राजस्थान में मिलेगी, राजस्थान में अगर आप भारत में ट्रैवल करते हो तो। बसेस यहाँ नहीं रुकती इनफैक्ट, बट यू हैव टू स्टॉप अगर आप पर्सनल बस में ट्रैवल करो। इसकी कॉफ़ीज काफ़ी अच्छी हैं। सो गाइस, लास्ट टाइम जरा बारिश स्टार्ट हो गई, मतलब इस बार भी बारिश। सो गाइस, मैं चल चुकी हूँ वेस्टर्न पैराफेरल पे एंड वेस्टर्न, आज पता है आज फिर से मतलब लास्ट टाइम भी मैं जब 6 महीने पहले जयपुर थी तब भी बारिश हो रही थी, और आज भी बहुत प्यारा मौसम है। और अभी सिर्फ 4 बजे और अंधेरा सा हो गया, इतना ज़्यादा पूछो मत, चेक करो स्काई कितना प्यारा लग रहा है। गाइस चेक करो कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है, मतलब कितनी कितनी ज़्यादा जबरदस्त बारिश हो रही है, चेक करो।
कितना खतरनाक मौसम है। सो गाइस चेक करो, मौसम खुल चुका है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है इस वक्त। ये वेस्टर्न पेराफेरल है, अगर आसपास देखो तो इसमें बहुत सारी ग्रीनरीज हैं। आई जस्ट लव दिस प्लेस, मतलब मुझे वेस्टर्न पेराफेरल वैसे बहुत अच्छा लगता है क्रॉस करना, और ईस्टर्न पेराफेरल जैसा ही है ये पेराफेरल। Still gonna take time, but I'm in subway, which always save life, and I'm gonna have veg shami wrap. I'm totally hungry. Not much, but हाँ थोड़ा बहुत। एक बहुत देर से खाया नहीं है, इट लाइक मैंने सुबह लास्ट 11 बजे कुछ खाया था और अभी तक ऐसा भूख नहीं है, बट फिर भी थोड़ा इट्स लाइक कि मैं बहुत देर से भूखा हूँ एक तरीके से। बहुत देर बाद कुछ खाना, एंड द व्लॉग इज एक्चुअली अपलोडिंग, बहुत टाइम लगेगा, ये बहुत बड़ा व्लॉग है। लेट्स गो, अभी हमारा रास्ता बाकी है 2 घंटे का, लेट्स रोल। सो गाइस आई रीच टू माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन, आई डोंट नो, दैट्स द स्टे फॉर टुनाइट। इट्स अ वेरी सिंपल स्टे, बट ठीक है, कोई नहीं, चलेगा। ओके वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही, एंड सी यू सुपर सून विद न्यू व्लॉग, and hope you like it, comment karna mat bhulna, thanks।